हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अलग मनी टेक चैनल। तो फ्रेंड, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे आप अपने ज़मीन का खसरा खतौनी या फिर घाटा नंबर देख सकते हो बहुत ही आसानी वे में। जी हां दोस्तों, आज के स्टूडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे खाता खतौनी आप अपने ज़मीन का देख सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी वे में देख सकते हो। सो सिंपली आपने क्या करना है, आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके सर्च कर सकते हो भू लेख की वेबसाइट पर। भू लेख की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है खसरा खतौनी देखने के लिए। अगर आपको अपने स्टेट देखना हो तो आप प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको आपके स्टेट्स का बता दूंगा। जैसे कि ये देखिए, मैं यहां पे एक ऐप का यूज कर रहा हूं, जिस ऐप के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उस ऐप के थ्रू भी आप इसको थ्रू सर्च कर सकते हो। अगर आप ऐप के थ्रू करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, एक ही जगह आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो जिसको आज इससे के थ्रू आपको ज्यादा गूगल पे सर्च करने की या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप फर्स्ट टाइम आप इसको अच्छे से इंस्टॉल कर लोगे इस ऐप को, तो इस ऐप की लिंक मैंने, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इस ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 डॉट पे आपने जाना है। यहाँ पे आपको भूले खसरा खतौनी, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं यहाँ पे यूपी का देख रहा हूँ, आपको आपके स्टेट का चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको आपके स्टेट का बता दूंगा। तो जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आपने सारी डिटेल अपनी फिल करनी है, ना कि मैं यहाँ पे जो डेमो दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट भदोही सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने अपना एक तहसील सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक गांव सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी गांव, तहसील और ज़िला हो वहां पे आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। मैं आपसे एक बार नहीं दो बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप जिससे कि आप गलती ना कर सके। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद ये देखिए, अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे खसरा नंबर या घाटा संख्या भरे, तो सिंपली आपने यहाँ पे खसरा नंबर या घाटा संख्या भर के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रैंडमली मैंने एक खसरा नंबर लिख के यहाँ पे सर्च किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे पे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन के सामने एक कैप्चा का एक ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपने कैप्चा को बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि आप कैप्चा को अगर गलत भरेंगे तो फिर ये फिर से वो रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा, मतलब आपको फिर से फिल करना पड़ेगा सारा डिटेल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फुल जैसे ही डिटेल फील किया आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, रामचरण सिंह / बद्री प्रसाद सिंह बलीपुर, रामचरण बद्री प्रसाद, राम जियावन बद्री प्रसाद, इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो आपका कितना खसरा संख्या है, 81 और 201 है। इसके साथ ही कितनी क्षेत्रफल है आप यहां पे देख सकते हो, 0.2910। इसके साथ ही आपको यहां पे खाता संख्या 00159 यहां पे देखने को मिल जाएगा। और आप इसे चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके आप इसे चाहो तो प्रिंट आउट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे आप अपने खाता खतौनी को आप अपने मोबाइल में देख सकते हो, इसके साथ ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।